तेजी और तेजी से भरी, हम में जोश है हम मद होश है, कुछ भी कर जाने का हम में रोश है, छा गए हम घूम रहे हम, हमसे जीतना है अगर वो ना है सदम, ये है हमारी जिंदगी, तेजी तेजी और तेजी से भरी, हम में जोश है हम मद होश है, कुछ भी कर जाने का हम में रोश है, छा गए हम घूम रहे हम, हमसे जीतना है अगर वो ना है सदम, ये हमारी जिंदगी, तेजी तेजी और तेजी से भरी, हम में जोश है हम मद होश है, कुछ भी कर जाने का हम में रोश है, छा गए हम घूम रहे हम, हमसे जीतना है अगर वो ना है सदम। एक थ्रू आउट ट्रांसमिशन के बाद टाइन सिंह की विंग राइडर एक सीक्रेट विंग राइडर में अपग्रेड हो जाती है। सीक्रेट विंग राइडर की पावरफुल परफॉर्मेंस देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। फेडरेशन कप टूर्नामेंट आने वाला है और सबकी टॉप प्रायोरिटी होती है कि अपने अपनी बुलेट रेसर को अपग्रेड करें। अनएक्सपेक्टेडली स्टॉर्म आर्चर आधी रात को गायब हो जाती है। युनफेंग जल्दी ही पता लगा लेता है कि उसकी डैड ने उसकी स्टॉर्म आर्चर ली है। इस माइनर मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से पिता और बेटे के बीच का रिश्ता और भी मजबूत हो जाता है। दुखी मत हो बेटी, मुझे पूरा यकीन है वो किसी और दुनिया में खुशी से ही रह रहे होंगे। मुझे पता है ग्रैंडपा। ग्रैंडपा पता नहीं अजैंग और अराउंग अब कैसे हैं। हम पांचों कितने अच्छे से खुशी खुशी रहते थे। अजैंग देखो मेरी सबसे ऊपर है। हाँ तुम इसमें बहुत अच्छी हो। जुहर मैं तो तुम्हें ओवरटेक भी नहीं कर सकता। ये लो जुहर, रोना बंद करो, तुम मेरी काइट ले सकती हो और मेरी भी। बेटा मुझे लगता है वो लोग जरूर वापस आएंगे। हम एक फैमिली है और फैमिली लोग एक दूसरे से ज्यादा देर सिकवा नहीं रहते। मुझे लगता है वो कल आएंगे हमारे पेरेंट्स को रिस्पेक्ट देने के लिए। बेटा तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें इस तरह दुखी नहीं देखना चाहेंगे। जाओ पहले अपने माता पिता से मिलकर आओ।
ओके, अब मुझे चलना चाहिए। जुअर, ग्रैंडपा, टेक केयर। रुको अरॉन, अभी मत जाओ। तुम कहाँ जा रहे हो? अभी हम सब लोग यहाँ पर हैं। तुम क्यों जा रहे हो? तुम दोनों ऐसे बक के दुश्मन की तरह क्यों बिहेव कर रहे हो? चलो घर चलते हैं और जो भी है क्लियर करते हैं। चलो। मुझे उससे कोई बात नहीं करनी, मुझे भी नहीं करनी। बस करो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। थोड़ी देर के लिए घर चलो प्लीज। लेकिन ग्रैंडपा, जुअर कैसी हो तुम? क्या तुम मेरे जाने के बाद भी ओबीडिएंट रही हो? तुम ग्रैंडपा से अच्छे से बिहेव करती हो ना जुअर? ऑफ कोर्स, मैं एक अच्छी लड़की हूँ। लाइट स्पीड रेसिंग टीम में सब कैसे हैं? सब अच्छा जा रहा है। युनफेंग और बाकी के सब लोग ग्रेट टीम मेंबर्स हैं। हम सच में एक दूसरे की कंपनी बहुत एंजॉय करते हैं। सच में युनफेंग, युहेंग और टैंग जैंग बहुत अच्छे बच्चे हैं। डिमोन गॉड रेसिंग टीम में बाकी सब कैसे हैं? डिमोन गॉड रेसिंग टीम तो अनबीटेबल है। ए रॉन्ग, मैं तुमसे ये नहीं पूछ रहा कि वो कितने महान है। मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ कि क्या तुम उनके टीम के साथ रहकर खुश हो? हाँ, वो सब बढ़िया है। वो अच्छे लोग नहीं है, वो लोग बहुत बुरे हैं, बहुत ज्यादा बुरे। तुम्हारा मतलब क्या है? कुछ भी नहीं, मैं सिर्फ एक फैक्ट बता रहा हूँ। मुझसे ऐसे गंदे तरीके से बात मत करना। अपना हाथ दो मुझे। तुम कैसे मेरे साथ खेल नहीं रहे हो जैसे पहले खेला करते थे? अजैंग, अरॉन्ग, तुम दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो? क्यों? तुम्हें उससे पूछना चाहिए कि उसने बैकआउट क्यों किया था। मुझे जवाब चाहिए, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं इस बारे में और बात नहीं करना चाहता। एरॉन्ग, मैं चाहता हूँ कि तुम जल्दी से जल्दी डेमोन गॉड रेसिंग टीम छोड़ दो। डेमोन गॉड रेसिंग टीम छोड़ दूं? तुम्हारा कोई हक नहीं है मुझे ये बोलने का। कहीं तुम एक साल पहले की कंपटीशन की बात तो नहीं कर रहे हो? लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं हूँ रेडी फ्रॉगी, जो कि अपनी आवाज से सारे जहां को कॉन्कर कर लेता है। जहाँ भी बुलेट रेसर मैचेस होंगे आप मुझे पाएंगे। मैं हर जगह रहने वाला टॉप बुलेट रेसर कमेंटेटर रेडी फ्रॉगी हूँ। ये दो जायंट्स के बीच का मैच है। डेमोन गॉड रेसिंग टीम के जुओ ज़ियाओचुआन और बुलेट रेसर्स के इन्वेंटर के ग्रैंड सन टैन ज़ेंग के बीच इस मैच का विनर इस चैंपियनशिप का विनर होगा। तो चलिए हम इन दो आइकॉनिक रेसर्स का मैच करवाते हैं। आप कंग्रेचुलेशन एजेंग, तुम फर्स्ट रनर अप होंगे। अच्छा, मैं देखना चाहूंगा कि कौन है द अनबीटेबल चैंपियन। कर दो आप, मुझे कोई मिस्टेक नहीं चाहिए, समझ गए तुम? गुड, जाओ और जाकर तैयारी करो। देखो देखो, वो मेरा भाई है। देखो वो कितना स्मार्ट है, वो बहुत ब्रिलियंट है। वो मेरे से थोड़ा सा बेटर भी है। वो जुओ ज़ियाओचुआन को हरा देगा और इस चैंपियनशिप को जीत जाएगा। वो बहुत बेहतरीन खिलाड़ी है, वो ही चैंपियन होगा। एजेंग, गुड लक, तुम ये कर सकते हो, कम ऑन। हमारी इस साइड पर है डेमोन गॉड रेसिंग टीम के टॉप खिलाड़ी द अनबीटेबल जुओ ज़ियाओचुआन और हमारी दूसरी साइड पर है बुलेट रेसर्स के इन्वेंटर डॉक्टर टैन के ग्रैंडसन टैन ज़ेंग। कौन जीतेगा कंपटीशन? आप किस पर दाव लगा रहे हो?
चाहे आप स्टेडियम में हो या फिर टीवी के सामने, अपनी सांसें थाम लीजिए, चलिए साथ में बैठकर देखते हैं अल्टीमेट मैच, सबसे बड़ा मैच, ऐसा मैच जो कि चैंपियन को चुनेगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये अरीना स्पेशली चैंपियनशिप के फाइनल्स के लिए बना है। हम जल्दी स्पीड रेसिंग राउंड शुरू करेंगे, देखते हैं कौन लीड करता है। आप तैयार हैं ना दोस्तों? तो तैयार ही रहिए और एंजॉय कीजिए इस मैच को, क्योंकि ऐसा मैच फिर कभी नहीं होगा। या दीदा हो क्या हुआ? आखिर उन्होंने रेस क्यों रोक दी? सोजवाचान ने एक फॉल्स स्टार्ट की, एक येलो कार्ड वार्निंग के तौर पर उस कंटेस्टेंट को दिया जाता है जो कि फॉल्स स्टार्ट करता है। और अगर एक फॉल्स स्टार्ट फिर से हुआ तो जो भी ऐसा करेगा वो डिस्क्वालिफाई हो जाएगा। अजीब है ना, जोज और शॉन जैसा एक आउटस्टैंडिंग कंटेस्टेंट फॉल स्टार्ट कैसे कर सकता है? ए जेंग, ध्यान से मेरी तरह गलत स्टार्ट मत करना। अगर ये फिर से हुआ तो जो भी करेगा वो डिस्क्वालिफाई हो जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो तुम कंपटीशन हार जाओगे, समझ गए ना तुम? हाँ, मैं फॉल स्टार्ट नहीं करूंगा वरना मैं हार जाऊंगा। मैं तुम्हें ऐसे ही जीतने नहीं देने वाला, मैं तुम्हें हरा के ही रहूंगा। रेस का स्टार्ट बहुत ही जरूरी होता है। या दीदा, क्या हो गया ये? इस बार कोई फॉल स्टार्ट नहीं हुई है, लेकिन एजेंग ने सोजा चौन के मूव करने के बहुत देर बाद मूव करना शुरू किया। आखिर हुआ क्या, क्या प्रॉब्लम थी उसके साथ? एजेंग, ऐसा लग रहा है कि मेरी साइकोलॉजिकल टैक्टिक वर्क कर जाएगी। क्या साइकोलॉजिकल टैक्टिक? साइकोलॉजिकल टैक्टिक तो जुआजुआचुआन की फर्स्ट फॉल स्टार्ट एक प्लांट स्ट्रैटेजी थी। ऐसा करके उसने एजिंग पर सेकंड स्टार्ट के टाइम पर प्रेशर डाल दिया। एजिंग ने डिस्क्वालिफिकेशन को अवॉइड करने के चक्कर में स्लो स्टार्ट किया और जुआजुआचुआन जो कि अपनी स्टार्ट में कॉन्फिडेंट रहता है, उसने इस टैक्टिक को यूज करके एजिंग के माइंड को डिस्टर्ब किया और इस चीज का फायदा उठाया। ये एक स्मार्ट मूव थी जुआजुआचुआन, लेकिन तुम जीतने नहीं वाले। वो सच में आउटस्टैंडिंग बुलेट रेसर रनर्स हैं। दोनों ने ही एकदम परफेक्ट कॉर्नरिंग की है। एजेंग, जुआजुआचुआन ने तुम्हें इस कॉर्नरिंग में बीट कर दिया है। क्या क्या कहा तुमने? जुआजुआचुआन जब कॉर्नरिंग कर रहा था तो वो कंटिन्यूअसली ड्रिफ्ट कर रहा था, उसके गाइड पुलिस ने ग्राउंड को टच भी नहीं किया। ये परफेक्ट ड्रिफ्टिंग कॉर्नरिंग है। एजिंग ने लास्ट कॉर्नर को नेगोशिएट करके मिस्टेक कर दी, उसके गाइड पुलिस थोड़ा सा ट्रैक वॉल को टच कर गए। थोड़े से फ्रिक्शन से शायद फर्क ना पड़े, लेकिन एक रेस में जो कि बेस्ट प्लेयर्स के बीच हो, ये रेस का आउटकम डिटरमाइन करने के लिए क्रूशियल फैक्टर होता है। मैं तो ऐसा ही मानता हूँ। अगर मैंने उसे अभी ओवरटेक नहीं किया तो मैं बहुत लेट हो जाऊंगा। ओवरटेक हिम स्वॉर्ड मैसेंजर, हमारे पास मौका है। तुम कितने लकी हो, मैं कभी भी अपने ओपोनेंट को कोई चांस नहीं देता। वेल डन, सोजोचान सच में डिमांड गॉड रेसिंग टीम का टॉप मैन है। उसने अपने आउटस्टैंडिंग टैक्टिक्स के यूज से स्पॉट एग्जीक्यूशन एबिलिटी दिखाई। एजेंग की परफॉर्मेंस से पता चलता है कि बुलेट रेसर इन्वेंटर का वारिस कितना इंप्रेसिव है। और आगे बात करें तो मैं बैटल राउंड का इंतजार नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन एक ब्रेक के बाद हम आपको एक्साइटिंग बैटल राउंड दिखाएंगे। जी हाँ दोस्तों, तो इंतजार करते जाइएगा। एजेंग, कोई बात नहीं, तुमने बस एक छोटी सी मिस्टेक की थी और उसने उसका फायदा उठा लिया। उसकी बुलेट रेसर बैटल राउंड में स्वॉर्ड मैसेंजर का मुकाबला नहीं कर पाएगी। डोंट गिव अप, तुम जीत सकते हो इस मैच में पक्का।
एरोंग, ज़ियोज़ुआ चौन के पास एक्सेप्शनल एबिलिटी है। मैं बैटल अराउंड में अपना बेस्ट करूंगा। मैं डेमोन गॉड रेसिंग टीम को हमें और ग्रैंडपा को नीचे दिखाने नहीं दूंगा। एजेंग, तुम कर सकते हो। लेडीज एंड जेंटलमैन, अल्टीमेट बैटल शुरू होने जा रही है। अभी मैं तुम्हें स्वॉर्ड मैसेंजर की असली ताकत दिखाऊंगा। तुम इस बार बच नहीं सकते हो ज़ुआ चौहान। ये तो बहुत ही खतरनाक है। वाओ, ये रही डिफिकल्टी। ये सेलबोट ड्रैग उतना सिंपल नहीं है जितना दिखाई देता है। ये एक सी पर टॉस हुई बोट के इफेक्ट को सिमुलेट कर सकता है। अब दोनों कंटेस्टेंट्स को टेस्ट करने का टाइम है कि कौन दोनों में से बेस्ट है। ये एक ऐसी बैटल होगी जिसमें असली चैंपियन का पता चलेगा। मैं हार्डली मूव कर रहा हूँ, अटैक लॉन्च करना तो दूर की बात है। सबसे जरूरी है बुलेट रेसर को स्टडी करना। लकीली मैं इसके लिए तैयार हूँ। स्वॉर्ड मैसेंजर, पेंडुलम को क्रूजिंग मोड में शिफ्ट करो। वाओ, कितनी एक्सीलेंट मूव है। उसने बैटल बोट की स्विंग रिदम को पकड़ लिया है और अब वो रिदम के रिवर्स में जा रहा है। ये स्विंग बैटल बोट की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करता है, जिससे काफी हद तक बुलेट रेसर स्टेडी हो जाती है। क्या आई ओपनर है ये। डैम इट, मैं इसे कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। हाय, साइड हटो, मैं एक कंपटीशन में हूँ। एजेंग, क्या तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? हाँ, तुम हो वही मिस्टर जिन। मैं तुम्हें कई बार डिमोन गॉड रेसिंग टीम ज्वाइन करने के लिए बोल रहा था, लेकिन तुमने हर बार मेरा ऑफर रिजेक्ट कर दिया। काश तुमने मेरा ऑफर एक्सेप्ट किया होता। मुझे तुम जैसों के साथ काम नहीं करना है। तुम बच्चे हो, तुम्हें कुछ नहीं पता। तुम्हें इस मैच में हारना ही होगा, नहीं तो क्या? हाँ, नहीं तो अगर तुम हारे नहीं तो तुम्हारे सिबलिंग और तुमसे रिलेटेड किसी भी बुलेट रेसर को मैं कंपटीशन में कभी भी कॉम्पीट नहीं करने दूंगा। तुम्हें पता है मैं कौन हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारे पूरी लाइफ में कॉम्पीट करने से बैन कर दूंगा। तुम अपने कारण अपने सिबलिंग्स के फ्यूचर्स को धोखे में मत डालो। सेल्फिश मत बनो जैंग। हाँ, मैं तुम्हें सोचने का मौका देता हूँ। तुम आराम से सोचो। चलो चले अब। क्या करूं अब मैं ये नहीं जीत सकता। अगर मैं जीत गया तो एरोंग और ज़ुअर फ्यूचर में कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। हाँ एजेंग, तुम क्या कर रहे हो? तुमने अपना पेंडुलम क्रूजिंग अटैक क्यों नहीं यूज किया? ये क्या कर रहे हो? मुझे परवाह नहीं करनी चाहिए। क्या तुम विक्ट्री को ऐसे ही जाने दोगे? मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। जनरल हल्बर्ट, डेविल एंड हल्बर्ट। एजेंग, ज़ुअर, क्या ये सब सच है? हाँ, ये बात सच है। अजेंग ने मुझे तुम्हें बताने से मना किया था। उसने कहा था कि वो सब पुरानी बात हो चुकी है। वो चाहता था कि बस हम लोग बुलेट रेसर्स खेलना एंजॉय करते रहें। अब बस भी करो ज़ुअर। अजेंग, तुम दूसरों के बारे में कुछ ज्यादा ही सोचते हो। अरोंग, क्या तुम्हें पता है कंपटीशन खत्म होने के बाद अजेंग बहुत ही दुखी हो गया था जब तुमने उससे बात करनी बंद कर दी थी। तुम ऐसे ही घर छोड़कर भाग गए थे और जाकर डीमन गॉड रेसिंग टीम ज्वाइन कर ली।
अजैंग इस बात से बहुत दुखी हुआ था, लेकिन उसने इस बारे में कभी कुछ नहीं कहा। फाइनली जब तैनजिंग और तैनरोंग अपने पेरेंट्स के टोम पर आ जाते हैं तो अपनी बरसों पुरानी नफरत को दूर कर लेते हैं, वो फिर से पहले जैसे हो जाते हैं। जुयर दोनों भाइयों के बीच में एक मैच सजेस्ट करती है। कोई भी बुलेट रेसर के लिए अपने इमोशन को एक्सप्रेस करने का यह एक बेस्ट जरिया है। ग्रैंडपा तैनजिंग के स्वॉर्ड मैसेंजर को अपग्रेड करके स्वॉर्ड किंग बना देते हैं। स्वॉर्ड किंग उस ट्रैक पर कैसे रहेगी जिस ट्रैक पर दोनों भाई बड़े हुए हैं? तैनजिंग और तैनरोंग के बीच में कौन मैच जीतेगा? हम तो बस खेल ये खेल है, इसका दूजा ना कोई मेल, जिसमें दम ना वो होता है फेल। खतरों से भरी है हमारी जिंदगी, खेलो तो जानो ये खेल है मुश्किल, मान कर चलो दम ना ही हम सा कही। मुश्किलें आती है पर ना रुकते कहीं, आसान बना तेरा है कुछ कर दिखाना है। हम तो बस खेल ये खेल है, इसका दूजा ना कोई मेल, जिसमें दम ना वो होता है फेल। खतरों से भरी है हमारी जिंदगी, खेलो तो जानो ये खेल है मुश्किल, मान कर चलो दम ना ही हम सा कही। मुश्किलें आती है पर ना रुकते कहीं, आसान बना तेरा है कुछ कर दिखाना है।